हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं ऋषिकेश में हूँ और आज जैसे लोग न्यू ईयर मना रहे हैं, आज पहला दिन है और दो दुखद समाचार से शुरू हुआ है ये दिन। एक तो भगदौड़ जो मच गई थी, जो स्टैम्पेड हुआ है वैष्णो देवी में, वहाँ पर 12 लोगों की मौत हो गई है, जो बहुत ही दुखद है। और दूसरा एक और हुआ है, वो है हमारे स्वामी कालीचरण जी का बेल। 13 जनवरी तक उनकी बेल को आगे कर दिया है, जानबूझ के रद्द कर दिया है। जो 3 तारीख को सुनवाई होनी थी वो भी रद्द कर दी है। तो ये दो चीज़ बहुत ही दुखद है और मैं यही समझती हूँ कि हमारे संत लोगों को इतनी परीक्षाएं देनी पड़ती है हमारे ही कंट्री में, तो ये बहुत ही सैड बात है, बहुत ही दुखद बात है कि हमारे इतने अच्छे और इतने संत, यही लोग सुरक्षित नहीं हैं और यही लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व किए जाते हैं। और जो उन्होंने कहा वो इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उनको हिरासत में लिया जाए, और जिस तरीके से वो लोग उनकी इज्जत को तार तार कर रहे थे, कह के कि कालीचरण को एमपी में दबोचा गया, ये बोलने की तरीका नहीं होता, ये कोई बोलने का तरीका नहीं होता है किसी स्वामी जी से। और ये लोग इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे किसी टेररिस्ट को पकड़ा हो या किसी गुंडे को, किसी को हिरासत में लिया हो। तो इस तरीके से ये लोग बात कर रहे थे कि एमपी में खजुराहो में कालीचरण को दबोचा गया। तो बहुत ही दुखद है कि हमारे इतने प्यारे संत और इतने निडर और क्रांतिकारी संत हैं, ये लोगों के बारे में ही ऐसी मीडिया बातें करती हैं। तो हम क्या आशा कर सकते हैं किसी और से? मतलब यहाँ पर तो संत भी बहुत ही, मैं कहती हूँ कि संत का कोई इज्जत नहीं है यहाँ पर, यही मुझे लगता है कि संत की इज्जत नहीं है। और जो वैष्णो देवी में हुआ ये भी बहुत ही दुखद है कि इतने लोग मारे गए। तो ये सब सुनकर आज का दिन तो मेरा दिल बहुत उदास है। आज अभी शाम भी हो गई है, रात होने आई है, लेकिन दिल कहीं पर उदास है कि पहले दिन ही ऐसी खबरें मिली है। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ यहाँ पर ऋषिकेश में कि स्वामी जी को जल्दी ही रिहाई मिले और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हों, ये लोग समझ जाएं कि हम सब स्वामी जी के साथ हैं। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।